चलिए तो ये है ट्रायंगल एबीसी, डी पॉइंट पर एसी बी साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, एसी साइड को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है यहाँ यहाँ पे। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे अपना एडी, एडी कितना है भैया अपना 1.5 सेंटीमीटर है। ईशान ये रिवीजन करवा रहे बेटे, ठीक है हाँ। ए कितना है हमारा, एई ए का हमारा 12 सेंटीमीटर, एंड डी बी मॉल क्या है हमारा, डी बी मॉल है हमारा 3 सेंटीमीटर, और मॉल तो हमने लिख लिया है, ईसी मॉल हमें निकालना है, ईसी मॉल हमें निकालना है। संयम श्रीवास्तव यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। क्लास 9 के बच्चे भी पता है कि कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलिए बहुत शानदार, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी हम कहाँ अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम, आप बताइए। इन ट्रायंगल जो थेल्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे वो किस ट्रायंगल में करेंगे, नहीं नहीं जो ट्रायंगल है जिसमें हम अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इस्तेमाल जहां करेंगे, वो ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी। देखो ना बड़ा ट्रायंगल ये, ठीक है दिख गया आपको, तो यहां लगा लिखो यहां पे इन, आपको आगे समझ में, इन ट्रायंगल एबीसी बिकॉज ये जो साइड है ना कोमल, जो आप ये बोल रहे सर एडी अपन में डीबी मॉल एई अपन बीसी, मतलब किसकी साइड है, ये बड़े बड़े ट्रायंगल की भुजाएं हैं, साइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजाएं, ठीक है ये भुजाएं है ट्रायंगल की, ऐसी बात। चलिए आपकी कॉपी, चलिए तो यहां पर अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बाय बीपीटी, बीपीटी का फुल फॉर्म बोलिए, आपका नाम क्या है, ईशान डेंगरे, बोलो बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, प्रथम सिंह चौहान, दिस इज द मीनिंग ऑफ बीपीटी, कोमल एडी अपॉन में डीबी मॉल ए अपॉन में ऑरा मॉल, एडी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, कोमल दिख रही बेटा ये वैल्यू, ये एडी की जगह पर एडी की वैल्यू पुटअप कर दिया, डीबी मॉल की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दो यहाँ पे, सेंटीमीटर नहीं आएगा यहाँ पे, ऑरा मॉल की वैल्यू क्या है 1 है, इसी की क्या है, इसी की क्वेश्चन है तो इसी का इसी रहेगा। अब इनको आपस में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम, इसी में 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी का 3.1.5 में ऐसा कैसे हो जाएगा, 3 बन जा 1 का मतलब मैथ्स में क्या होता है हवा, 3 में हवा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हवा एकम हवा, ऑलराइट। चलिए तो ये एसी ये मल्टीप्लीकेशन में कहां शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में शिफ्ट होगा, ये आपको अच्छे से सिखाया होगा 9th क्लास में, 1.5 से डिवाइड कर देंगे एसी को, तो 1.5 का डबल क्या होता है 3 होता है, तो हमने इसको उड़ाया तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है 1.5 का डबल होता है। अरे भैया आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, ऑफ कर देना।